अखिलेश यादव निरोग कांग्रेस पार्टी के नेताओं से काफी खफा है। अखिलेश यादव इंडिया के देखिए जो इन्होंने कहा कह दिया कमलनाथ जी ने किसी कैसे कह दिया मुझे आता लेकिन इस तरह की बात किसी को खिलाफ करना नहीं चाहिए। हाँ मैं इसको स्वीकार कर रहा हूँ मेरे पास कमलनाथ जी ने अशोक सिंह जी को भेजा था और सब दीप नारायण यादव आए थे और हमारी उनकी टीम आई थी मेरे साथ चर्चा इसी कमरे में बैठ के चर्चा हुई थी। मैं पूरी साफ सुथरी बात करता हूँ चौवाली बात मुझे नहीं है। समाजवादी पार्टी का एक कैंडिडेट जीता था बिजावर से जो बीजेपी में चला गया दो सीटों पे वो उनके अच्छे वोट एक दो सेकंड आए थे इस तरह से तीन सीटों के ऊपर का ठीक है वो छह सीटें मार गए। चर्चा हमारी हुई और चार सीटों पर हम छोड़ सकते थे उनके लिए इसका मैंने बना के कमलनाथ जी को भेज दिया था लेकिन उसके बाद जब वर्किंग कमेटी की मीटिंग हमारी हुई थी इस बारे में मैंने केंद्रीय लीडरशिप से बात की थी कि हमारी जो इंडिया अलायंस है उसके साथ हमारा क्या संबंध है तो उन्होंने स्टेट इलेक्शंस में स्टेट लीडरशिप पर ये छोड़ दिया। लोकसभा का चुनाव इंडिया अलायंस मिलकर लड़ेगा लेकिन स्टेट के इलेक्शंस में हमारे अलग अलग इश्यू है। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह जी की बूथ पर बड़ी कृपा थी जब वो मुख्यमंत्री थे मैं भी मुख्यमंत्री था वो जैसे राजनेता हमने देखे नहीं आज उनकी बड़ी कृपा रही और जब भी मुझसे मैं टाइम मांगता था उससे मिलते थे बातचीत। अखिलेश बेहद शरीफ व्यक्ति है अच्छा लड़का है पढ़ा लिखा है और उन्होंने वस्ती संभाली है परिवार को संभाला है। हाँ अब ये चर्चा कहां पीड़ी मैं नहीं जानता लेकिन कमलनाथ जी पूरी ईमानदारी के साथ समझौता करना चाहते थे ठीक है लेकिन अलायंस में तो फ्रेंडली फाइट हो जाती है लेकिन इतना हमको मालूम है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी भाजपा के साथ तो नहीं जाएंगे। पिछली बार भी जो आया था वो सीधा हमारे पास आ गया बाद में कांग्रेस का ही था तीन बार कांग्रेस के टिकट पर हारा और एक बार समाजवादी पार्टी से जीत गया। जगदीश शुक्ला का छोटा भाई जगदीश शुक्ला हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रहे पूरी तरीके से हमने कांग्रेस को सपने उसको मौका दिया तीन बार बिजावर लड़ा चौथी बार समाजवादी पार्टी जीत गई फिर भाग गया बीजेपी में। सर आप ये कह रहे हैं कि अगर गठबंधन विधानसभा के लिए नहीं होता तो हम कांग्रेसियों के फोन नहीं उठाते हमारे साथ अजब किया गया अजब मुझे जानकारी। अच्छा अखिलेश यादव अब इंडिया अलायंस पे आप बात कर रहे हैं कि केंद्र में साथ में लड़ेंगे सेंट्रल का चुनाव आज ही समाजवादी पार्टी लखनऊ में उनके दफ्तर के बाहर भावी प्रधानमंत्री का पोस्टर लगाया अखिलेश यादव इसमें क्या आपत्ति है पोस्टर लगाने का अधिकार सबको है सर 2018 क्या आपत्ति है तो होंगे क्या इंडिया अलायंस के बात ये है मैं इंडिया अलायंस का अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूं ना मैं उस कमेटी में इसलिए मुझसे आप क्या उम्मीद करते हैं।